तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयांग क्विंसू और साओ के साथ सीक्रेट रैलम में आ चुका होता है और अब वह लोग वहां पर घूम घूम कर हर्ष इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर सांगनिंग मिलती है। अब सुयांग को देखकर सांगनिंग उससे बोलती है कि सुयांग अगर चाहे तो वह उसे स्नो लोटस तक लेकर जा सकती है, पर स्नो लोटस के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है और वह बहुत ही खतरनाक है। अब सांगनिंग की बात सुनकर सुयांग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर स्नो लोटस के पास वह मॉन्स्टर दो लोगों को मारकर खा रहा होता है। तभी सुयांग अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, यह एक ब्लड कार्विंग बीस्ट है जो दूसरों के ब्लड से कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाता है। अब वह क्विंसू से बोलता है, क्विंसू मुझे पता चला कि तुम स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस करती हो। क्विंसू हाँ में जवाब देती है। सुयांग बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक शॉर्ट टेक्निक दिखाने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखो। तभी वह मॉन्स्टर सुयांग पर अटैक कर देता है, पर सुयांग अपने एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर सांगनिंग काफी हैरान हो जाती है। तभी सुयांग बोलता है, क्विंसू क्या तुमने मेरी टेक्निक को देखा? क्विंसू हाँ में जवाब देती है। वही सांगनिंग सोच रही होती है, मास्टर ने एक ही अटैक में इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मार दिया, आखिर इनका रियल कल्टीवेशन बेस क्या है? अभी सुयांग उस मॉन्स्टर के ब्लड ऑर्ब को बाहर निकालता हुआ क्विंसू को देते हुए बोलता है, इसे खाओ, जिसके बाद हम आगे बढ़कर स्नो लोटस को लेंगे। अब उस ऑर्ब को देखकर क्विंसू सोचने लगती है, यह बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ईवल एनर्जी थी और इतनी ईवल एनर्जी से भरे हुए ऑर्ब को अगर कोई मंक खाए तो वह भी मर सकता है। तो मास्टर मुझे यह खाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, अगर मास्टर चाहते हैं कि मैं इस जगह पर मर जाऊं तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूं। और यह सोचते हुए वह उस ऑर्ब को खा लेती है। अब क्विंसू की बॉडी से काफी ज्यादा मात्रा में ईवल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसी वक्त सुयांग उसकी बॉडी पर एक ऑरा प्लाम मारता है, जिससे सारी ईवल एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब सुयांग बोलता है, अपनी पावर को स्टेबल करने की कोशिश करो। क्विंसू अपने पावर को स्टेबल करती है और तभी वह ब्रेक थ्रू करके जिंडान रैलम के लेट स्टेज पर पहुंच जाती है, जो देखकर सांगनिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। इसने एक ईवल ऑर्ब को खाया था और उसे खाते ही इसे मर जाना चाहिए, पर इसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। आखिर सच में मास्टर सुयांग है कौन? जिसके बाद वह आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर सुयांग आप मुझे अपना डिसाइपल स्वीकार करें, मैं आपके टियान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। सुयांग बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे दो बार मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना डिसाइपल स्वीकार करूंगा? सांगनिंग बोलती है, वह मेरी भूल थी, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुयांग बोलता है, तो मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यह एक्ट क्यों करती हो? अब यह सुनकर सांगनिंग बोलती है, मास्टर मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, यह दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरे पास ना ही कोई फैमिली थी और ना ही कोई दोस्त, और जो भी मुझे मिलता वह मुझे बुली करने की कोशिश करता, इसीलिए मेरे अंदर लोगों के लिए गुस्सा भरा हुआ था। पर मास्टर अब मैं आपका डिसाइपल बनना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट करे। सुयांग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने टियान सेक्ट में एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पर तुम्हें चारों ओर से न्यूज लाने का काम सौंपता हूँ, जो सुनकर सांगनिंग खुश हो जाती है। तभी सुयांग बोलता है, पर तुम्हें एक बात याद रखना है। तभी सुयांग बोलता है, पर तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तभी सांगनिंग बोलती है, मास्टर वह दिन कभी नहीं आएगा और अब मैं यहाँ पर आपके लिए कभी भी मरने को तैयार हूँ। अब यह सुनकर सुयांग एक लंबी सी सांस लेता हुआ बोलता है, तो अगर तुमने हमारी सभी बातें सुन ली हो तो अब बाहर निकल कर आ सकते हो। तभी एक पर्सन एक पत्थर के पीछे से बाहर निकल कर आता है और बोलता है, तुम बस अभी QI रिफाइनिंग रैलम पर हो, पर मेरे ऑरा को सेंस कर सकते हो, और तो और QI रिफाइनिंग रैलम पर होने के बावजूद तुमने जिंडान रैलम के लोगों को अपना डिसाइपल बनाकर रख रखा है, यह सच में कमाल की बात है। और इस पर्सन का नाम चेंगडोंग होता है। तभी चेंगडोंग बोलता है, तुम इस जगह पर स्नो लोटस को लेने के लिए आए हो, पर अगर मैं इस स्नो लोटस को डिस्ट्रॉय कर दूं तो क्या होगा?
यह सुनते ही सुयांग हंसते हुए बोलता है, उस लोटस को डिस्ट्रॉय करने से पहले ही तुम मर चुके होगे। और तभी क्विंसु काफी तेजी से चेंगडोंग पर अटैक कर देती है। तभी चेंगडोंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता हुआ क्विंसु से फाइट करने लगता है और अब वह बोलता है कि तुम ताकतवर ही नहीं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तो फिर क्यों ना तुम उस पर्सन को छोड़कर मेरी डिसाइपल बन जाओ। यह सुनते ही क्विंसु अपने स्पिरिट स्वॉर्ड से चेंगडोंग पर अटैक कर देती है, पर चेंगडोंग अपने स्लैश टेक्निक से उसके स्पिरिट स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी क्विंसु दोबारा से काफी तेजी में अटैक करते हुए चेंगडोंग के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह उस पर अटैक करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। अब चेंगडोंग गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर हर्ट करने की, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इवल एनर्जी निकलने लगती है। तभी वह क्विंसु पर अटैक कर देता है, पर बीच में आते हुए सुयांग क्विंसु को बचा लेता है और वह अपनी एक उंगली से चेंगडोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं चेंगडोंग पागल हो चुका होता है और वह चारों ओर अटैक किया चला जा रहा होता है। तभी सुयांग उसका गला पकड़ते हुए बोलता है, जब तुम गुस्सा होते हो तब तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, मैं इस टेक्निक को अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि पास्ट में इस टेक्निक का यूज करने वाले सभी लोगों को मैंने ही मारा था। तभी वहाँ पर भागता हुआ साओ आता है और बोलता है, मास्टर मुझे एक न्यूज मिली है जो सुनकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। यहाँ पर कुछ लोगों को एक सील मिला है और कई सारे लोग मिलकर उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वह चेंगडाओ की डेड बॉडी को देखकर बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी उसकी नजर स्नो लोटस पर पड़ती है जिसे उखाड़ता हुआ वह बोलता है, मास्टर देखो मैंने यहाँ पर कितनी कीमती चीज ढूंढी है। अब सुयांग सांगनिंग से बोलता है कि तुम जाकर साउथ वेस्ट में देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ से मैं एक अजीब एनर्जी फील कर पा रहा हूँ और वहाँ पर जो भी हो रहा हो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, बस तुम आकर यहाँ पर मुझे इस बारे में बताओ। सांगनिंग हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर मौजूद सील को कई सारे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पाते हैं। अब वहां पर सुयांग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है जिसे देखते ही सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, अब आखिर तुम कौन हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।